दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? अगर हाँ, तो आज की कहानी ऐसे ही घटना पर आधारित है। कहते हैं कि किसी भी इंसान का पुनर्जन्म तभी होता है जब उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, या फिर उसे अपना बहुत पुराना बदला लेना हो। ये भी एक ऐसे ही ट्विस्ट से भरी कहानी है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। दोस्तों, ऐसे ही हॉरर मूवीज के एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं। कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहां पर हम एक फॉरेनर को देखते हैं जो कि ट्रेकिंग के लिए वहां पर आया हुआ था। फिर वो फॉरेनर अपनी गाड़ी को रोककर पैदल ही आगे बढ़ने लगता है और तभी अचानक से कोई उसके पैरों को पकड़कर उसे घसीटने लगता है और थोड़ी दूर जाकर छोड़ देता है। वो फॉरेनर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास की मिट्टी और बाकी की चीजें हवा में उड़ने लगती है और देखते ही देखते वो फॉरेनर उस मिट्टी के अंदर दफन हो जाता है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं दिव्या को, जो कि इस कहानी का मेन किरदार है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दिव्या एक आर्कियोलॉजिस्ट है और तभी दिव्या का बॉस उसे कहता है कि डीएसपी ने मुझे कॉल किया था, उन्हें केस के सिलसिले में हमारी मदद चाहिए और उस केस के बारे में वो मिलकर ही बताएंगे। मुझे लगता है कि इस काम के लिए तुमसे बेहतर यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए तुम वहां पर जाओ और उस इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करो। ये सुनकर दिव्या वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दिव्या डीएसपी के सामने होती है। वो उसे बताते हैं कि 2 दिन पहले जंगल में एक फॉरेनर मिस हो गया है। जब हमने छानबीन की तो जंगल में हमें उस फॉरेनर का कैमरा, मोबाइल और भी कुछ चीजें मिली है। साथ ही वहां पर किसी के घसीटने के निशान भी थे। बाकी पैरों के निशान की बात करें तो वहां पर सिर्फ हमें उस फॉरेनर के ही निशान मिले। और जब हमने वहां के फॉरेस्ट गार्ड से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि जिस जगह पर वो अंग्रेज गायब हुआ था वहां पर करीब 15 से 16 साल पहले एक दलदल था। तो अब तुम्हें ये पता करना है कि उस जगह की मिट्टी को चेक करके उसकी रिपोर्ट मुझे देनी है। वहां पर हमने अभी तक खुदाई नहीं करवाई क्योंकि हमें वहां का अंदाजा नहीं है। वो अगर गिली निकली तो खुदाई करने का कोई भी फायदा नहीं है। अब पूरी बात जानने के बाद दिव्या डीएसपी के कहने पर अगले ही दिन उस जंगल में पहुंच जाती है। वहां पर हम रेंजर राजा को देखते हैं। राजा तो दिव्या की खूबसूरती देखकर पागल ही हो जाता है। फिर वो दिव्या से थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह पूछता है और उसके बाद वो उसे अपने बाइक पर बिठाकर उस जगह पर लेकर जाता है। यहाँ पर राजा दिव्या के साथ थोड़ा फ्लर्ट भी करने की कोशिश करता है। खैर, उसके बाद यहाँ पर चेक करने पर दिव्या को ये मिट्टी थोड़ी लूज लगती है, इसलिए वो फैसला करती है कि अगले ही दिन यहाँ पर खुदाई करेगी, जिसके लिए वो 3-4 लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए भी कहती है। अब वहां पर एक पास में म्यूजियम था। वहां पर उसे एक अजीब सी चीज दिखती है जिसे पुराने समय में लोगों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। म्यूजियम का मालिक उस चीज को दिव्या के सामने खोलकर दिखाता है कि इसमें एक नहीं बल्कि कई सारे भाले और किले हैं। पुराने समय में इसमें इंसान को बंद किया जाता था और ये भाले और किले उसके शरीर में घुसकर उसकी मौत हो जाती थी। ये बात जानने के बाद दिव्या उस चीज को अजीब तरह से देखने लगती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। अब दोस्तों, अगले दिन हम उसी जगह को देखते हैं। वहां पर खुदाई चल रही थी और दिव्या भी वहां पर मौजूद थी। दिव्या उनको धीरे धीरे खुदाई करने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि अगर आपको कुछ मिले तो फौरन मुझे बता देना। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा फिर से दिव्या के साथ फ्लर्ट करने की पूरी कोशिश करता है। वो दिव्या के पीठ पीछे एक अजीब सा डांस और मस्ती करते हुए चलता है। इसी बीच खुदाई वालों को कुछ मिलता है और वो लोग दिव्या को इस बारे में बताते हैं। जब दिव्या वहां पर आकर देखती है तो असल में वहां पर एक इंसान का कंकाल था। फिर दिव्या उसको साफ करके राजा की मदद से उसे बाहर निकालती है। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में डीएसपी दिव्या से कहता है कि यकीन नहीं हो रहा, आखिर 4 दिनों में इंसान कंकाल कैसे बन सकता है। अब इसका तो एक ही मतलब है कि ये उस फॉरेनर की बॉडी है या फिर किसी दूसरे इंसान की, और इस बात को जानने के लिए हमें इस कंकाल को फॉरेंसिक लैब भिजवाना होगा। अब उसके बाद दिव्या फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बताती है कि आपको पता लगाना है कि ये बॉडी कितने साल पुरानी है। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको बता दूंगा।
फिर वो डॉक्टर एक फेस मैचिंग सॉफ्टवेयर की मदद से उस चेहरे को बनाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि ये बॉडी 100 साल से भी पुरानी है। उसके बाद जब वो सॉफ्टवेयर उस पर स्किन चढ़ाता है तो उसको देखकर डॉक्टर तो शॉक ही रह जाते हैं। इसी बीच हम राजा को देखते हैं जो कि रात को अपने रूम की तरफ जा रहा था। तभी वो देखता है कि एक महिला डीएसपी के घर के अंदर जा रही है, इसीलिए वो भी डीएसपी के घर के अंदर जाने लगता है। वो देखता है कि दरवाजा तो बंद है। यहाँ पर राजा डीएसपी को इस लड़की के साथ पकड़ना चाहता था, इसीलिए वो दरवाजा खटखटाता है और डीएसपी दरवाजा खोलता है। उसके बाद वो राजा को अंदर बुलाता है। डीएसपी की बातों से ऐसा लग रहा था कि मानो डीएसपी को कुछ पता ही नहीं है कि उसके घर के अंदर कोई घुसा है। अब राजा तो उस औरत को देखना चाहता था जो इस घर के अंदर चली गई थी, और तभी अचानक वहां की लाइट चली जाती है और राजा अपने सामने दिव्या को देखता है। लेकिन वो तो कुछ अलग ही लग रही थी। वो काफी गुस्सा होती है और राजा और डीएसपी को दोनों को बुरी तरीके से पीटने लगती है। अब आखिर दिव्या ऐसा क्यों कर रही थी और उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत कहां से आई, ये इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब किसी तरह से राजा और डीएसपी वहां से निकलकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अचानक दिव्या उनके सामने आ जाती है और वो राजा से कहती है कि तुम डीएसपी को लेकर उसी दलदल के पास आ जाओ। इस पर डर के मारे राजा हाँ तो कहता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं वैसे ही उनके सामने दिव्या फिर से आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत हो। इसीलिए डर के मारे राजा उस डीएसपी को लेकर दलदल के पास पहुंच जाता है। वहां पर दिव्या डीएसपी को बुरी तरीके से मारने लगती है और साथ ही राजा को उसी तरह का डांस करने के लिए कहती है जैसा उसने उस दिन किया था। अब डीएसपी काफी ज्यादा मार खाने के बाद वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दिव्या मिट्टी के अंदर से एक भाला निकालती है जो देखने से काफी ज्यादा भारी लग रहा था, और वो उसे डीएसपी की तरफ फेंक देती है। वो भाला डीएसपी के शरीर से आर पार हो जाता है, जिससे डीएसपी की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये देखकर दिव्या जोर जोर से हंसने लगती है और वो राजा को भी वैसा ही करने के लिए कहती है। वो राजा से कहती है कि तुम मुझे बाइक पर बिठा कर यहां से ले चलो। अब बेचारा डरा हुआ राजा ऐसा ही करता है, और फिर कुछ दूर जाने के बाद वो देखता है तो वहां पर दिव्या थी ही नहीं बल्कि वो तो गायब हो चुकी थी। ये देखकर राजा वहां से तुरंत ही भाग जाता है। अब उसके अगले दिन हम उसी जगह पर पुलिस को देखते हैं, जिन्हें राजा बताता है कि मुझे यहाँ रहने वाले एक आदमी ने खबर दी। यहाँ दूसरी तरफ दिव्या को फॉरेंसिक डॉक्टर बताते हैं कि ये स्केलेटन तुम्हारा है, क्योंकि इसका चेहरा तुम्हारे चेहरे से काफी ज्यादा मिलता है। बाकी और ज्यादा कंफर्म करने के लिए डॉक्टर दिव्या के बोन स्ट्रक्चर को स्कैन करते हैं और उस स्ट्रक्चर से मिलवाते हैं, तो वो सब परफेक्टली मैच हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो दिव्या ने फिर से जन्म लिया है, क्योंकि दोस्तों ये स्केलेटन तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। अब ये बात जानने के बाद दिव्या के साथ साथ वो डॉक्टर भी बिल्कुल भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर सीनियर ऑफिसर को जब पता चलता है कि ये भाला करीब 40 किलो का है और इस पर जो फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं वो किसी लड़की के हो सकते हैं। फिर फॉरेंसिक की रिपोर्ट देखकर ऑफिसर पूरी तरीके से हैरान रह जाता है और वो सोच रहा था कि इतने भारी भाले को एक लड़की कैसे उठा सकती है और किसी का खून भी कैसे कर सकती है। अब दोस्तों इसी बीच वहां पर एंट्री होती है डीएसपी के दो भाई और एक बहन की। उनका नाम अरविंद, महेश और मल्लिका होता है। वो अपने बड़े भाई की लाश को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और साथ ही कहते हैं कि हम उस आदमी को खत्म कर देंगे जिसने हमारे भाई की ये हालत की है। अब ये सुनकर राजा की तो हालत ही खराब हो जाती है। पुलिस उस एरिया में रहने वाली सभी लड़कियों के फिंगरप्रिंट्स ले लेती है, लेकिन उससे कोई भी मैच नहीं करता। ये देखकर पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ दूसरी तरफ दिव्या से मिलने के लिए उसका भाई आता है। दिव्या उसे कहती है कि कल मैं एक काम से थोड़ा गांव में जा रही हूँ, तो थोड़ा देर से आऊंगी। दरअसल दोस्तों दिव्या भी उस लड़की के बारे में जानना चाहती थी जो 100 साल पहले मरी थी। दिव्या सबसे पहले राजा से मिलने के लिए जाती है ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके, लेकिन राजा बहुत डर गया था। उसे लग रहा था कि दिव्या ने ही वो खून किया है, इसलिए राजा अंदर ही छुप जाता है, वो बाहर ही नहीं आता। दिव्या वहां पर थोड़ा सा पानी पीती है और उसका इंतजार करके वहां से चली जाती है। अब राजा को उस बॉटल को देखकर एक आइडिया आता है और वो उस बॉटल को फॉरेंसिक लैब भेज देता है ताकि उस पर लगे फिंगरप्रिंट को चेक किया जा सके।
अब यहाँ पर फॉरेंसिक लैब वाले उस फिंगरप्रिंट को चेक करते हैं और वो फिंगरप्रिंट उस भाले वाले फिंगरप्रिंट से मैच हो जाता है। उन्हें लगता है कि दिव्या ने ही उस डीएसपी का कत्ल किया है। उसके अगले दिन राजा पुलिस स्टेशन जाता है और वहां से दिव्या को कॉल करके पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां पर डीएसपी का भाई अरविंद भी आ जाता है और उसके बाद वहां पर दिव्या भी आ जाती है। दिव्या राजा से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। राजा कहता है, तुम आर्कियोलॉजिस्ट हो ना, तो इस भाले को देख रही हो, इसे थोड़ा चेक करो। राजा को ऐसा लग रहा था कि दिव्या अब यहाँ पर फंस चुकी है। तभी अरविंद दिव्या को देखता है और वो तो उस पर लट्टू ही हो जाता है। दिव्या कहती है, इस भाले को ना मैं कल चेक करूंगी, और वो वहां से अपने घर पर चली जाती है। उसके पीछे पीछे अरविंद भी जाने लगता है। दिव्या घर पहुंचती है और अरविंद भी वहां पर आ जाता है। वो बहाना बनाता है कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है और वो उसके साथ फ्रेंडशिप करके वहां पर बातें करने के लिए बैठ जाता है। फिर वो उसे यहाँ पर जो म्यूजियम है उसे देखने के लिए चलने के लिए कहता है और अब वो दोनों उस म्यूजियम में पहुंच जाते हैं, जहां पर राजा भी उन दोनों का छुप छुप कर पीछा कर रहा था। अब म्यूजियम के अंदर जाने के बाद अरविंद के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, इसीलिए राजा वहां का वीडियो बनाने लगता है। यहाँ पर दिव्या अरविंद को बहुत ही बुरी तरीके से मार रही थी। उसका रूप पूरी तरीके से बदल चुका था। वो अरविंद को इधर उधर पटकने लगती है। यहाँ पर राजा दिव्या के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए उसका वीडियो बनाने लगता है, लेकिन उस वीडियो में दिव्या तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कोई आत्मा हो। ये देखकर राजा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद दिव्या अरविंद को उस मशीन में बंद कर देती है जिसमें पुराने जमाने में लोगों को डालकर मार दिया जाता था। अब वो उस मशीन को नीचे गिरा देती है जिससे कि अरविंद की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। उसके बाद दिव्या जोर जोर से हंसने लगती है और राजा को भी हंसने के लिए कहती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उस घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन ऐसे भयानक मर्डर कर रहा है। यहाँ पर डीएसपी के परिवार वाले बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। अब वो दो लोग ही बचे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगला नंबर उनका हो सकता है। उसके बाद हम दिव्या को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर डीएसपी के भाई और बहन भी मौजूद थे। वो दिव्या को देखकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उन्हें रोक लेता है और कहता है कि भले ही दिव्या के फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो। तभी वहां पर फॉरेंसिक लैब से एक डॉक्टर आता है और वो बताता है कि हमें जो कंकाल मिला था उसका फेस एग्जैक्टली दिव्या से मिलता है, और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब दिव्या को डायरेक्टली अरेस्ट तो नहीं किया जाता, लेकिन इस शहर से बाहर जाने के लिए मना किया जाता है। अब उसी दिन रात को दिव्या के भाई विकी पर वो आत्मा हमला कर देती है। विकी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अब दिव्या भी उसे देख लेती है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान थी, क्योंकि वो बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी। दिव्या अपने भाई को बचाते हुए उस आत्मा से कहती है कि तुम मेरे भाई को क्यों मारना चाहती हो। उसके बाद वो आत्मा दिव्या को म्यूजियम ले जाती है और अपनी कहानी सुनाने लगती है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कहानी जाती है 120 साल पहले, जहाँ पर हम दिव्या को देखते हैं, जिसका नाम है दमयंती। दमयंती के पति का नाम है वीरा और उसका ससुर बहुत ही बड़ा जमींदार होता है। अब उस जमींदार का एक नौकर था, उसका नाम था रामलिंगम। रामलिंगम के तीन भाई और एक बहन थी। यहाँ पर हमें इन सब किरदारों को देखकर ये बात पता चलती है कि इन सभी लोगों का पुनर्जन्म हुआ है। अब एक दिन रामलिंगम की बहन को वो जमींदार देख लेता है और वो उसे पसंद आ जाती है। उसके बाद वो उसे शादी कर लेता है, लेकिन शादी करने के बाद भी उसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा था, बल्कि उसे नौकरानी की तरह ट्रीट किया जा रहा था। ये बात रामलिंगम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब एक दिन जमींदार रामलिंगम से कहता है कि जो प्रतियोगिता होने वाली है उसमें तुम्हारे भाइयों के साथ मेरे बेटे की लड़ाई करवा दो, लेकिन रामलिंगम इसके लिए साफ मना कर देता है। लेकिन वो जमींदार उसे गुस्से से आदेश दे देता है, तो रामलिंगम को उसकी बात माननी ही पड़ती है। यहाँ पर जो तीन भाई थे वो इस जन्म में दो भाई डीएसपी के थे और उसमें से एक जो भाई था वो दिव्या का था। अब प्रतियोगिता होती है और दमयंती का पति प्रतियोगिता के दौरान उन तीनों भाइयों को पटक देता है।
ये देखकर दमयंती बहुत ज्यादा खुश होकर तालियां बजाने लगती है। लेकिन रामलिंगम और उसके भाई बहन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो दमयंती के साथ बदला लेना चाहते थे, इसलिए एक दिन वो उस जमींदार और उसकी पहली पत्नी को खत्म कर देते हैं और उसके बेटे वीरा और दमयंती को बंदी बना लेते हैं। उन्हें काल कोठड़ी में बंद किया जाता है और दमयंती के पति की आंखें निकाल ली जाती है। और तो और दमयंती को एक अंग्रेज के हवाले किया जाता है। वो अंग्रेज दमयंती की इज्जत लूट लेता है। अब ये सब कुछ देखकर दमयंती को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो भी बदले की आग में तड़प रही थी। एक दिन उनका एक वफादार सिपाही उन्हें उस जगह से आजाद कर देता है। लेकिन जब वो उस जगह से भाग रहे थे, तभी रामलिंगम और उसके भाई बहन उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो दमयंती के पति को उस मशीन में डालकर मार देते हैं और दमयंती को उस दलदल में फेंक देते हैं, जिसके अंदर फंसकर उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों, इसलिए दमयंती इस जन्म में उनके साथ बदला लेने के लिए आई थी। यहाँ पर दिव्या उसकी कहानी सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन वो उसे समझाती है कि ये बदले की भावना ठीक नहीं है। पिछले जन्म में जो डीएसपी का भाई था, वो आज इस जन्म में मेरा भाई है, और अगर तुम उसे मार दोगी तो उसका सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा, जिससे कि मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए तुम इस बदले की भावना को छोड़ दो और अपनी आत्मा को मुक्त कर दो। अब दमयंती की आत्मा उसकी बात सुनकर उस गड्ढे के पास पहुंच जाती है और वहां से जाते वक्त दिव्या को सावधान करती है, क्योंकि ये लोग उसे जिंदा नहीं रहने देंगे। और जब भी तुम्हें किसी चीज की मदद चाहिए हो तो इस जगह पर आ जाना। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद दिव्या राजा के पास जाती है और उसे दमयंती की पूरी कहानी बताती है, और वो ये भी कहती है कि हम दोनों ने मिलकर उस कंकाल को बाहर निकाला था, इसीलिए दमयंती की आत्मा हमें दिखाई दे रही थी। उसके बाद दिव्या अपने भाई और डीएसपी के भाई बहनों को बताती है कि दमयंती चली गई है, अब तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, रात में मल्लिका और विक्की को फिर से दमयंती दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। उसके अगले दिन मल्लिका दिव्या के भाई विक्की से कहती है कि तुम अपनी बहन दिव्या को मार दो, जिससे कि हमारी जान बच जाएगी, नहीं तो वो आत्मा दिव्या के शरीर में आकर हमें मार डालेगी। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं रात को विक्की दिव्या को जहर देकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो अपनी बहन के बारे में सोचकर ऐसा नहीं करता। अब वो सो रहा था और तभी सपने में दमयंती आकर उसका गला पकड़ लेती है, इसीलिए वो घबराते हुए फाइनली दिव्या को चाकू से मारने के लिए जाता है। लेकिन वहां पर दिव्या थी ही नहीं। उसको पता चल चुका था कि उसका भाई उसे मारने वाला है। अब विक्की दिव्या से कहता है कि काश तुमने मुझे उस दमयंती के बारे में बताया ही नहीं होता, उसको जानने के बाद ही मुझे अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। उसके बाद दिव्या अपने भाई और डीएसपी के भाई बहनों को बात करने के लिए बुलाती है। दिव्या उनसे कहती है कि अगर तुम्हारी जान मेरी वजह से खतरे में है तो मैं कल उसी जगह पर अपनी जान दे दूंगी। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि ये सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर पहुंचते ही दिव्या के हाव भाव बदल जाते हैं। वो एकदम से दमयंती की तरह बर्ताव करने लगती है। दरअसल दोस्तों, दिव्या यहाँ पर नाटक कर रही थी, लेकिन इन लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर दमयंती आ चुकी है, इसीलिए वो उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले महेश उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन वो फिसल जाता है, जिससे कि एक डाल उसके आर पार हो जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर विक्की वहां से भागने लगता है, लेकिन एक पेड़ की डाल उसे लपेट लेती है और फांसी लगने के कारण वो वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर मल्लिका भी उस दलदल में गिर जाती है। दिव्या उसे कहती है कि मैंने दमयंती को तो यहाँ से भेज दिया, लेकिन तुम लोगों ने ये झूठा प्लान बनाकर मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए मेरे कुछ किए बिना ही तुम लोगों की मौत हो गई। और मल्लिका भी उस दलदल के अंदर जाकर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, दिव्या राजा से मिलने के लिए जाती है, लेकिन राजा का तो ट्रांसफर हो चुका था। अब वहां पर एक नया फॉरेस्ट गार्ड आ चुका था, और दोस्तों ये और कोई नहीं बल्कि उसके पिछले जन्म का पति वीरा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, बदले की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।